हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस दो वीडियो में अपन ने एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड जीन ट्रांसफर मेथड को टॉपिक अपना जो है वो क्लियर किया था। अभी इस टॉपिक के अंदर एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद में ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा। यानी अपना टॉपिक चल रहा था एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड जीन ट्रांसफर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस बैक्टीरिया जो है उसके हेल्प से अपन प्लांट सेल के अंदर किस टाइप से जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजींस दो बैक्टीरिया हैं जिनके थ्रू अपन जीन ट्रांसफर प्लांट्स के अंदर करते हैं। उसके लिए मैंने आपको अच्छे से दोनों वीडियो के अंदर पूरा मैटर बताया था। आज का अपन टॉपिक उसी मेन टॉपिक के अंदर चलते हैं। तो अपना टॉपिक रहेगा टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के अंदर वेक्टर डीएनए के रूप में टीआई प्लाज्मिड जो होता है वो पाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड एक डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रेप्लिकेबल एक्स्ट्रा डीएनए है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जो बैक्टीरिया है उसकी जैसे सेल की स्ट्रक्चर ऐसे है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस बैक्टीरिया है, इसके अंदर इसका मेन क्रोमोसोम है, इसके अलावा इसके अंदर एक्स्ट्रा डबल स्टैंडर्ड और सेल्फ रेप्लिकेबल डीएनए मॉलिक्यूल और पाया जाता है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, इस टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से ही तो जीन ट्रांसफर करते हैं अपन प्लांट्स के अंदर। किस टाइप से करते हैं पूरी की पूरी स्टोरी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक स्पेसिफिक जीन होते हैं, कुछ छोटा सा डीएनए का पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं टीडीएनए। ये वाला पार्ट जो होता है उसको कहते हैं टीडीएनए, यानी ट्रांसफर होने वाला डीएनए। ये टीडीएनए जब प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा तो इस टीडीएनए के अंदर कुछ डिजीज कोजिंग जीन्स पाए जाते हैं जो प्लांट्स के अंदर डिजीज को कोज करते हैं। वो डिजीज कौन सी कोज होती है, क्राउन गोल डिजीज, जिसके सिम्टम्स क्या होते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स के एरियल पार्ट जो है उनके अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है। तो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मिड डीएनए के टीडीएनए वाले पार्ट का ट्रांसफर होने से प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इस प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड कहा गया है। तो टीआई प्लाज्मिड के थ्रू अपन बेनिफिशियल जीन का ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था कि टीआई प्लाज्मिड जो होता है उसको एग्रोबैक्टीरियम वाली सेल से बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकाल करके क्या किया जाता है, इसके टीडीएनए के दोनों तरफ दो बॉर्डर सीक्वेंस पाई जाती है, जो एक तरफ इधर लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट बॉर्डर और राइट साइड के अंदर राइट बॉर्डर। दोनों बॉर्डर के बीच के अंदर जो इन्फेक्शियस जीन्स हैं, जो डिजीज कोजिंग जीन्स हैं, उनको तो काट करके अलग कट करके डीएनए को कट कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम से उनको तो कट लगा करके अलग कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और इसकी जगह पर यहाँ पर कोई बेनिफिशियल जीन जो होता है, डिजायर्ड जीन जो है, बेटर कैरेक्टर्स वाला जीन है, वो यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, हार्मफुल जीन हटाया और बेनिफिशियल जीन इसके अंदर डाल दिया। अब ये मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड हो गया। अब इस मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड को वापस इसकी एग्रोबैक्टीरियम सेल्स जहाँ से निकाला था वहां पर डाल दिया, मगर ये मॉडिफाइड है, अब इसके अंदर डिजीज कोजिंग जीन्स हट चुके हैं। अब इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस की सेल से अपन किसी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करवाते हैं, यानी प्लांट सेल के साथ में इसको कल्चर करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ही ये एग्रोबैक्टीरियम जो है यहाँ पर टीडीएनए के अंदर जो पाए जाने वाले जीन्स हैं उन जीन्स को प्लांट सेल के डीएनए के साथ में ट्रांसफर करके जो होगा, तो यहाँ से जीन्स ट्रांसफर होकर के प्लांट सेल के डीएनए के साथ में जाकर के जब जुड़ जाएंगे तो ये प्लांट सेल मॉडिफाइड हो गई है, मॉडिफाइड प्लांट सेल हो गई है। अब इस प्लांट सेल को अगर अपन कल्चर करते हैं और इससे प्लांट जनरेट करते हैं, पूरा प्लांट बनाते हैं, तो उस प्लांट में दो चेंजिंग देखे गए हैं। एक तो डिजीज हटी, क्योंकि डिजीज कोजिंग जीन्स तो अपन ने पहले निकाल दिए थे, और साथ में जिस बेनिफिशियल कैरेक्टर्स वाला जीन्स यहाँ पर डाला था उस जीन्स के कैरेक्टर्स भी उस प्लांट के अंदर शो होने लगे हैं। लाइक दैट, जैसे अपन एक जीन है जिसका नाम है निफ जीन। निफ जीन, निफ का मतलब होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। ऐसे प्लांट जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी कम पाई जाती है तो उनके अंदर निफ जीन को टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फिर जो प्लांट बनेगा निफ जीन के ट्रांसफर से उस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। इसी टाइप से अपन कोई भी डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना चाहिए, कोई भी डिजीज है उसका रेजिस्टेंस प्लांट बनाना चाहिए, तो उस डिजीज का रेजिस्टेंस जीन जो है ना, वो रेजिस्टेंस जीन अपन ऐसे ट्रांसफर कर देंगे और प्लांट जो होता है उसमें डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी जनरेट हो जाएगी। तो ऐसे अपन किसी भी डिजायर्ड जीन को टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से प्लांट्स के अंदर प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो इस टीआई प्लाज्मिड की थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन। तो टीआई प्लाज्मिड जो है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे प्लाज्मिड का डायग्राम आपने बनाया था PBR322, वैसे ही ये भी तो प्लाज्मिड डीएनए है, बस इसमें थोड़े से लेवलिंग के अंदर दो तीन नए अलग लिखने हैं, वही डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, तो ये सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड डीएनए बना लिया। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि टी डीएनए पाया जाता है, ट्रांसफर होने वाला डीएनए, ठीक है, जो प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर होगा। तो ये वाला पार्ट तो हो गया अपना टी डीएनए, ट्रांसफर डीएनए, दोनों और बॉर्डर पाए जाते हैं, तो ये लेफ्ट बॉर्डर, ये राइट बॉर्डर, ठीक है। इसके अलावा हर एक प्लाज्मिड डीएनए के अंदर ओआरआई वाले जीन्स पाए जाते हैं। ओआरआई पहले वाले भी डायग्राम मैंने आपको बताए थे, ओआरआई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी इस जीन की प्रेजेंस से ये अपनी सेम कॉपी यानी रेप्लिकेशन कर सकता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सकता है, अपना जैसा दूसरी कॉपी तैयार कर सकता है, तो ओआरआई वाले जीन्स। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शियस जीन्स और पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं वीर रीजन या वीर जीन। वीर का मतलब होता है वायरुलेंस, यानी ऐसे जीन्स जो इस प्लाज्मिड को वायरुलेंट बनाते हैं, वायरुलेंट का मतलब इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ऐसे जीन्स भी पाए जाते हैं। ये वीर जीन जो है जब एक्टिव हो जाते हैं, वीर ओपेरोन भी बोल सकते हैं इसको, वीर ओपेरोन या वीर जीन जब एक्टिव हो जाते हैं तभी ये टी आई प्लाज्मिड इस टी डी एन ए का ट्रांसफर प्लांट सेल के अंदर कर पाता है। ध्यान रखना, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा। वीर ओपेरोन वाले जीन एक्टिव होने पर टी डी एन ए जो होता है वो यहाँ से निकल करके प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर होता है। अगर ये एक्टिव नहीं हुआ तो ये टी डी एन ए का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ प्लांट हार्मोन को सिंथेसिस करने वाले जीन्स भी पाए जाते हैं, लाइक है जैसे ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन है, इसके अलावा साइटोकाइनिन हार्मोन है, ये प्लांट हार्मोन को सिंथेसिस करने वाले जीन्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये कुछ दो चार नेम इसमें अलग टाइप्स के हैं, और इस टाइप से टी आई प्लाज्मिड का डायग्राम आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, जिसको आपको डायग्राम बना करके ये थ्योरी लिखनी है। इसकी साइज की बात करते हैं तो कंप्लीट टी आई प्लाज्मिड की साइज जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 150 to 250 kb तक की इसकी साइज होती है, जिसमें केवल टी डी एन ए की साइज पूछे अपन ने तो अप्रोक्सीमेटली 23 kb तक की टी डी एन ए की इसकी साइज होती है, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जब भी अपन को जीन ट्रांसफर करना है तो डिजायर्ड जीन अपन कहाँ पर इंसर्ट करेंगे, अपना जो बेनिफिशियल जीन है उसको कहाँ पर डालेंगे टी आई प्लाज्मिड में, इस टी डी एन ए के बीच में, यानी दोनों बॉर्डर सीक्वेंस के बीच में, यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही वो जीन्स है जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं, डिजीज करते हैं, ट्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपन को दोनों चीज़ें साथ में करनी है, ट्यूमर हटाने वाले जीन्स भी निकालने हैं और बेटर क्रेटर्स वाले जीन्स भी डालने हैं। तो यहाँ से अपन काटेंगे इसको, दोनों बॉर्डर सीक्वेंस के बीच में से काटेंगे और ये वाले जीन्स बाहर निकाल देंगे, इसकी जगह पर अपन जो बेनिफिशियल जीन जो है ना अपना वो यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया मॉडिफाइड टी आई प्लाज्मिड। अब इस मॉडिफाइड टी आई प्लाज्मिड को के थ्रू ये जो जीन्स है ये प्लांट सेल में ट्रांसफर कैसे होगा, डायरेक्ट तो ये कर नहीं पाएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टी आई प्लाज्मिड को वापस इसकी एग्रोबैक्टीरियम की सेल्स में, एग्रोबैक्टीरियम ट्रोफेसिन से बाहर ही तो निकाला था इसको, वापस इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है, मेन क्रोमोसोम इस एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया का है। अब इस मॉडिफाइड, अब ये एग्रोबैक्टीरियम की सेल्स मॉडिफाइड हो गई है, अब इस मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम जो है जिसके अंदर अपना डिजायर्ड जीन है, इस सेल से, बैक्टीरियल सेल ही तो है, इस सेल से अपन को उस प्लांट सेल को इन्फेक्ट करवाना पड़ेगा, उसके साथ में इन्फेक्शन करवाना पड़ेगा जिसमें अपन को ये जीन ट्रांसफर करना है। अब ये इन्फेक्शन कैसे कर सकते हैं अपन, यानी मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम के साथ में जो प्लांट सेल है उसका इन्फेक्शन कराने के लिए अपन के पास कौन से दो मेथड हैं। तो ये दो मेथड जो हैं वो अपने उनके नेम है अपना, नंबर एक मेथड जो है उसका नाम है एक्सप्लांट टिश्यू को कल्चर, और सेकंड जो है वो है इन प्लांटा मॉडिफिकेशन। दोनों के दोनों मेथड सेम से ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले अपन करते हैं एक्सप्लांट टिश्यू को कल्चर मेथड। देखो टिश्यू का मतलब आप जानते हो, एक्सप्लांट क्या होता है, एक्सप्लांट का मतलब आप ऐसे समझो कि प्लांट का एक छोटा सा पार्ट, रूट स्टेम लीव्स का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें
प्लांट सेल्स अपन को मिल जाए और उन प्लांट सेल के अंदर अपन जीन ट्रांसफर करेंगे। तो एक छोटा सा जो सैंपल लिया है ना प्लांट्स का, जिसके अंदर जीन ट्रांसफर करना है अपन को, वो सैंपल एक्सप्लांट कहलाता है। टिश्यू का मतलब भी एक्सप्लांट ही है, दोनों सिमिलर वर्ड ही है। को कल्चर का मतलब, को का मतलब साथ साथ कल्चर करना, यानी अपन इस मेथड में करते क्या है, एक ग्लास वेयर के अंदर एक कांच के पात्र में कल्चर मीडियम बनाते हैं, प्लांट सेल को कल्चर करने वाला कल्चर मीडियम तैयार कर लिया। अब इसके अंदर क्या किया अपन ने, ये जो टिश्यूज है प्लांट सेल के टिश्यूज, जैसे टोबेको है, टोमेटो है, पिटूनिया है, ऐसे प्लांट्स जो हैं उनकी लीव्स जो होती है, मोस्टली लीव्स वाला एक्सप्लांट काम में लेते हैं। लीव्स के इस प्रकार से गोल 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 डिस्क सी काट ली, छोटी छोटी डिस्क काट ली। ये डिस्क क्या है, प्लांट सेल के टिश्यूज है। तो ये डिस्क जो है इनको इस प्लांट सेल के अंदर ऐसे डाल दिया, प्लांट सेल की आ गई अपने पास। इसके अंदर बहुत सारी प्लांट सेल है, एक डिस्क के अंदर बहुत सारी प्लांट सेल्स है, ऐसे अपन ने प्लांट सेल्स के सैंपल इसके अंदर डाल दिए। अब इस कल्चर मीडियम के अंदर अपन ने उन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया को डाल दिया जिसके टीआई प्लाज्मिड के साथ में अपना डिजायर्ड जीन जुड़ा हुआ है, यानी मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड जो अपन ने अभी तैयार किया था ना, वो टीआई प्लाज्मिड भी इसके अंदर अपन ने डाल दिया। दोनों को एक साथ कल्चर किया है, को कल्चर का मतलब दोनों को एक साथ कल्चर कर दिया अपन ने, दोनों को एक साथ कल्चर कर रहे हैं। अब अपन को कुछ नहीं करना, कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। ये एग्रोबैक्टीरियम जो है ये ऑटोमेटिकली ही ये जो जीन है ना, डिजायर्ड जीन, बेनिफिशियल जीन, इस जीन को यहाँ से हटाएगा और इस प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। यानी प्लांट सेल के, एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए के अंदर ये वाला जीन जो है ना टीआई प्लाज्मिड के साथ में जुड़ा हुआ है, ये जीन इन सेल्स के अंदर आ जाएगा और इसके डीएनए न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए के साथ में जुड़ जाएगा जाकर के। तो अब ये मॉडिफाइड प्लांट सेल बन गई अपने पास। अब अपन को क्या करना है, इस कल्चर मीडियम में से जब ये सक्सेसफुली जीन ट्रांसफर हो जाएगा तो अपन को करना क्या पड़ेगा, इन एग्रोबैक्टीरियम की सेल्स को तो खत्म करना है, इनको तो हटाना इनका काम हो गया, और केवल अपन को ये ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल है ना, ट्रांसफॉर्म्ड होने का मतलब जीन ट्रांसफर होने के बाद में जो प्लांट सेल है उनको रखना है। उसके लिए इस कल्चर मीडियम के अंदर एक केमिकल, एक स्पेसिफिक केमिकल को डाला जाता है, जिसका नाम है कार्बेनेसिलीन। ये कार्बेनेसिलीन डालने के बाद में कार्बेनेसिलीन क्या करता है, ये एग्रोबैक्टीरियम सेल्स है ना उनको तो खत्म कर देगा, और केवल प्लांट सेल जो मॉडिफाइड प्लांट सेल है ना, ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल, उनको जीवित रखेगा, वो सर्वाइव करेगी, ये हट जाएगी, केवल मॉडिफाइड या ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल सर्वाइव करेगी। अब जो सेल सर्वाइव कर रही है वो अपने ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल ही है, उनको अलग से एक कल्चर मीडियम बना करके उनके अंदर कल्चर किया जाता है। ये प्लांट सेल है जिनके अंदर अपना सक्सेसफुली जीन ट्रांसफर हुआ है। अब इन सेल्स को अलग से कल्चर मीडियम में कल्चर करते हैं, और प्लांट्स के अंदर एक ही कैपेसिटी होती है कि एक सिंगल सेल से, एक सिंगल प्लांट सेल का कल्चर करके और अपन उससे पूरा प्लांट जनरेट कर सकते हैं। जैसे एक बीज से अपन पूरा प्लांट तैयार करते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर एक सेल, एक सिंगल सेल का कल्चर करके उससे प्लांट तैयार, पूरा पूरा प्लांट बना सकते हैं अपन। और प्लांट्स में पाए जाने वाली इस कैपेसिटी को टोटिपोटेंसी बोलते हैं, जो आगे की वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। तो इस प्लांट सेल का कल्चर करके अपन जो प्लांट तैयार करेंगे उस प्लांट के अंदर डिजीज भी खत्म हुई, यानी ट्यूमर भी नहीं बनी, और साथ में बेनिफिशियल जीन जो डाला है ना उसके बेनिफिट्स, कैरेक्टर्स जो हैं वो भी शो होने लगते हैं। इस टाइप से जीन ट्रांसफर किया जाता है को कल्चर मेथड में, साथ साथ कल्चर करना। दूसरा मेथड है इन प्लांटा मोडिफिकेशन मेथड। इन प्लांटा मोडिफिकेशन मेथड के अंदर क्या किया जाता है, सेम सी चीज है, इसके अंदर क्या किया जाता है, प्लांट का कोई एक्सप्लांट वाला यानी कोई रूट स्टेम लीव्स का कुछ टुकड़ा काट करके को कल्चर नहीं किया जाता है। इसमें पूरा पूरा प्लांट, छोटे प्लांट जैसे एरिगोडेप्सिस प्लांट है, एरिगोडेप्सिस प्लांट जो है उसकी सीड लिए जाते हैं, और उन सीड को क्या किया जाता है, एक पहले जो कल्चर मीडियम बनाया जाता है वही कल्चर मीडियम तैयार कर लिया। इस कल्चर मीडियम के अंदर क्या किया, वो एग्रोबैक्टीरियम की सेल्स जिनके जिनके टीआई प्लाज्मिड में अपना डिजायर्ड जीन है, वो एग्रोबैक्टीरियम की सेल्स इसमें डाल दी जाती है। तो एक सॉल्यूशन तैयार हो गया जिसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम है, मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम है। अब एरिगोडेप्सिस प्लांट जो उनके सीड्स जो है ना, वो सीड भी इसके अंदर डुबो दिए जाते हैं, इस कल्चर मीडियम के अंदर डिप करके डुबो दिए जाते हैं। एक दो घंटे रखने के बाद भी इन सीड्स के अंदर ऑटोमेटिकली ही ये एग्रोबैक्टीरियम जीन्स को ट्रांसफर कर देंगे, और अब इन सीड्स को अपन जमीन में लगा करके प्लांट तैयार करेंगे, उनके अंदर जीन ट्रांसफर हुआ हुआ है, यानी ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार हो जाएगा। ऐसे ही छोटे प्लांट, एरिगोडेसिस के छोटे प्लांट जो होते हैं, उस पूरे के पूरे प्लांट्स को इस कल्चर मीडियम के अंदर ऐसे डिप कर दिया जाता है, अंदर डुबो दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। तो उस डुबोने के बाद में उस कल्चर मीडियम के अंदर एग्रोबैक्टीरियम है ही, वो एग्रोबैक्टीरियम जीन ट्रांसफर कर देंगे उस प्लांट्स के अंदर। तो उस प्लांट को अगर अपन दूसरी जगह ले जा करके लगाएंगे तो उसके अंदर भी जीन ट्रांसफर हो गया है। तो इसमें क्या किया जाता है, कंप्लीट प्लांट जो है ना उसको डिप किया जाता है ऐसे कल्चर मीडियम में जिसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस पहले से मौजूद है, मॉडिफाइड वाला, और इसके अंदर प्लांट का कोई टुकड़ा लेकर के उसको को कल्चर किया जाता है।
तो ये दो मेथड अपन ने करने हैं। अब ये टॉपिक वैसे पूरा हो चुका है एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड जीन ट्रांसफर, मगर इसमें एक छोटा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू जीन ट्रांसफर जो है अपन वो डाइकोट प्लांट के अंदर तो सक्सेसफुली करते हैं, जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें तो सक्सेसफुली हो जाता है, मगर मोनोकोट प्लांट के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जीन ट्रांसफर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो प्रॉब्लम क्यों होती है और उसका क्या सोल्यूशन है। देखो डाइकोट प्लांट जो है, उन डाइकोट प्लांट की जो सेल्स होती है वो जब एग्रोबैक्टीरियम के साथ में को कल्चर करते हैं तो डाइकोट प्लांट की सेल्स जो होती है वो एक केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है जिसका नाम है एसीटोसिरेंगोन, एसीटोसिरेंगोन। ये एसीटोसिरेंगोन जो केमिकली सब्सटेंस है ये क्या करता है, टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो वीर ओपेरोन होता है ना, अभी बताया था मैंने आपको वीर ओपेरोन जो इंफेक्शियस जीन्स जहां पर पाए जाते हैं उस वीर ओपेरोन वाले पार्ट को एक्टिव कर देता है, और वीर ओपेरोन एक्टिव होते ही जीन ट्रांसफर वाला काम होता है, बताया था मैंने आपको। ये एसीटोसिरेंगोन किसने बनाया, डाइकोट प्लांट की सेल्स ने खुद नहीं प्रोड्यूस कर दिया, इसलिए जीन ट्रांसफर इजीली हो जाता है। मगर मोनोकोट प्लांट की सेल्स जो होती है वो इस एसीटोसिरेंगोन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती, जैसे मेज है, बाजरा है, उनके अंदर एसीटोसिरेंगोन का सेल्स जो होती है ना ये एसीटोसिरेंगोन को प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए उनमें जीन ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो इसका सोल्यूशन कैसे है, सोल्यूशन बस वही है, कल्चर मीडियम के अंदर बाहर से एसीटोसिरेंगोन को डाल दो, आप अलग से एसीटोसिरेंगोन डाल दो, फिर मोनोकोट वाली सेल्स के अंदर भी सक्सेसफुली जीन ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मोनोकोट प्लांट लाइक दैट मेज है, उसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम से जीन ट्रांसफर करने के लिए क्या किया जाता है, एसीटोसिरेंगोन को अपन को बाहर से डालना पड़ता है, इससे जीन ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये अपना टॉपिक पूरा होता है एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड जीन ट्रांसफर, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजींस भी ऐसे ही होता है सेम, मगर अपने सिलेबस के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड से जीन ट्रांसफर वाला डिटेल से दिया गया है जो अपन ने पूरा कर लिया है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू।